Going to talk about a new topic, a crystal diode as a rectifier. So यहाँ से हम basically rectification या फिर semiconductor physics के आगे बढ़ के semiconductor diodes के ऊपर बात करने वाले हैं. Well, basically rectifier is what? A rectifier is a device. Rectifier is a device, है ना? Which convert AC into DC, alternating current into direct current, है ना? So basically a diode, So diode basically look like this. I mean to say कि जो इसका सिंबल है ना, दिस लाइक दिस, है ना? सो जब भी अपन इसमें, ये देखिए बेसिक सिंबल है इसका, जिसमें हम इसको कहते हैं एरो हेड और इसे कहते हैं बार. दिस वन इज एरो हेड एंड दिस वन कॉल बार, है ना? और जब हम कभी किसी सप्लाई सोर्सेज में हम इस एरो हेड और यानी कि डायोड को लगाते हैं, और जब इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये एरो हेड पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ता है, जब ये सप्लाई सिस्टम का पॉजिटिव टर्मिनल हम इस एरो हेड के साथ और नेगेटिव टर्मिनल इस बार के साथ जोड़ते हैं, तब ये सेमीकंडक्टर डिवाइस यानी कि डायोड कहलाता है. फॉरवर्ड मोड में, है ना, यानी कि फॉरवर्ड बाइसिंग. और जिस टाइम पर ये बार पॉजिटिव और एरो हेड नेगेटिव होता है विद रेस्पेक्ट टू अ सोर्स, है ना, तो उस टाइम पर यानी कि बेसिकली बार वाला पोर्शन नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, हेड वाला सॉरी, और बार वाला पोर्शन पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है ना? तो बेसिकली इस टाइम पर यह कहलाता है रिवर्स बायस. सो लेट सपोज अपन ने हमें बेसिकली इस क्रिस्टल डायोड को रेक्टिफायर कैसे एक एसी सिग्नल को ये रेक्टिफाई करता है, ये इस हमारा मेन टॉपिक है ना? तो दिस इज अ एसी सिग्नल जो कि हम अभी डालने वाले हैं, किस पर, एक डायोड से गुजारने वाले हैं इसको. सो बेसिकली लेट सपोज इस तो हम मान के चल रहे हैं कि हमने इसे फॉरवर्ड बायसिंग में किया है पहले हाफ साइकिल के लिए, फॉर दिस पॉजिटिव हाफ साइकिल, है ना? इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अपना जो है जो डायोड है वो पॉजिटिव यानी कि फॉरवर्ड मोड में है. तो एज वेल वी नो दैट इन फॉरवर्ड मोड हमारा जो आर फॉरवर्ड है, यानी कि जो हमारा, अब आप ये कह सकते हैं कि जो डिप्लेशन लेयर है या फिर जो भी आपका बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर इनिशियली या फिर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, वो बहुत कम होता है. तो इसमें बहने वाला करंट आई ऑलमोस्ट वी और आई के जितना होता है ना? यानी कि जो आर एफ होता है वो ऑलमोस्ट वी अपॉन आई का अनुपात होता है, यानी कि वी ऑलमोस्ट 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 कहेंगे हम, वी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल टू आई. और हमारा जो एसी सिग्नल है वो भी कुछ ऐसा ही मिलता है ना? हम नॉर्मल, एक नॉर्मल बेसिक समझने के लिए सब ट्राई कर रहे हैं, है ना? तो अब अपन इसी प्लॉट, इसी ग्राफ को, जो इसी ग्राफ के जो बेसिस एक्सिस हैं उनको हम यहाँ प्लॉट कर देते हैं, है ना? सो बेसिकली फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल अपन को ये जब फॉरवर्ड में था, है ना, तो उस टाइम पर अपन को पूरा करंट और जो है वोल्टेज, दो क्वांटिटियां हैं वो साइनोसॉइडलिक मिली. और दूसरे केस में जब हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, है ना, चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ आ जाता है और नेगेटिव इधर आ जाता है, और पर डायोड तो अपना जो बार के रेस्पेक्ट में है पॉजिटिव टर्मिनल हो गया है,
और एरो हेड के रेस्पेक्ट में है नेगेटिव टर्मिनल, तो ये रिवर्स मोड में आ गया है ना। रिवर्स मोड में आने की वजह से आपको पता है रिवर्स वाइस में, जबकि यानी कि हमारा जो लोड होता है रिवर्स मोड में होता है, उस टाइम पर लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सिलिकॉन के लिए अगर बात करें तो ये फॉरवर्ड का एक आयदा इससे अकड़ा 1000 10000 1 लाख गुना होता है फॉरवर्ड के मुकाबले रिवर्स का, है ना। यानी कि जितना फॉरवर्ड में आपका अगर 1 ओम है तो 1 लाख ओम होता है ऑलमोस्ट रिवर्स में इसका रेजिस्टेंस। तो उस टाइम पर रेजिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ने की वजह से, अब आपका वोल्टेज सेम ही अप्लाई हुआ था, रेजिस्टेंस इतना बढ़ने की वजह से करंट आपका जीरो, देखो रेजिस्टेंस इतना बढ़ने की वजह से आपका करंट पार नहीं हो पाता, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी रेजिस्टेंस मान के चलिए आप, है ना। तो अब रेजिस्टेंस पार नहीं हो पाएगा तो करंट जीरो, और करंट जीरो तो देखिए करंट जीरो हो जाएगा इस ड्यूरेशन में, क्या हो जाएगा आपका, इसमें करंट आई मिला था आपको, है ना, और यहाँ पे वी, और अगले हाफ के लिए आप जब तक का वो अगला हाफ चलेगा उस टाइम के लिए करंट आपका जीरो हो जाएगा, तो एज वेल वोल्टेज भी आपका जीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि फॉर द रिवर्स बाइसिंग, जबकि हमारा बार पॉजिटिव और एरो हेड नेगेटिव होगा वोल्टेज के रेस्पेक्ट में, मतलब कि वोल्टेज हमारा इस तरीके से होगा इनके रेस्पेक्ट में, डायोड के रेस्पेक्ट में जो जीएम ने दो बताई गई थी, है ना। तो उस टाइम पे रिवर्स मोड का आरएफ इन्फिनिटी के ऑलमोस्ट, तो इस वजह से आई जीरो और उसी के कारण वी भी जीरो। तो आपका कुछ और कुछ जो है हमारा क्रिस्टल डायोड इस तरीके से काम करेगा, केवल एक मतलब कि उसके बाद अगर आप फिर दोबारा चेंज करेंगे तो ये फिर आगे बढ़ेगा, है ना। यानी कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर होता है इसका साइकिल पूरा 2 पाई, और उसके बाद फिर से ऐसा 4 पाई, यानी कि आप देख सकते हैं आपका करंट का डायरेक्शन अब चेंज नहीं हो रहा है, या वोल्टेज का डायरेक्शन दूसरी दिशा में नहीं है, यूनि डायरेक्शन है ना, एक ही डायरेक्शन में वोल्टेज के मान में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो आप इसे कह सकते हैं ये डीसी जो है एसी है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट इज बीन, है ना, इज बीन कन्वर्टेड इनटू डीसी, है ना। सो थैंक यू फॉर दिस प्रेजेंटेशन एंड आई होप यू विल गेट इट।